Hey all my gorgeous, welcome back to the channel. I hope आप सब बहुत अच्छे से और एकदम मज़े से होंगे. So guys, it's a much requested video from Meesho. जैसे कि आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ह्यूमिडिटी का मौसम स्टार्ट हो चुका है एंड यू नो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को ऐसे में रिक्वायरमेंट होती है 100% प्योर कॉटन या फिर कुछ लोग रियॉन में भी कंफर्टेबल होते हैं 100-500 रुपीज़ के कॉटन के कुर्तीज़, कुर्ता सेट्स, अनारकली गाउन्स, ड्रेसेस. तो ये बहुत ही एक मिक्स्ड हॉल वीडियो होने वाला है जिसमें आपको अपने हिसाब से बहुत सारी वैरायटी दिखने को मिलेगी. स्पेशली ये सारे ही प्रोडक्ट्स अंडर 500 हैं मोस्ट ऑफ देम. तो येस, आई एम श्योर कि आपको आज का ये कलेक्शन बहुत ही पसंद आएगा एंड आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल भी होने वाला है. कलर वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है एंड क्वालिटी मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी. तो सबके लिंक्स जो है मीशो के डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डू चेक देम आउट एंड येस, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, आप लोगों को यूजफुल लगे एंड पसंद आती है तो लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड ऐसे ही आप अफोर्डेबल फैशन हॉल वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइएगा. तो चलिए जल्दी से चलते हैं और उसका ब्यूटीफुल सा हॉल पिटारा चेक करते हैं. सो गाइस, जो फर्स्ट कुर्ती मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिस इज समवेयर अराउंड 350. इसका एक्जैक्ट प्राइस मैं आप पे लगा दूंगी, तो ज़रूर चेकआउट करना. एंड दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट सो फार आज के हॉल वीडियो में से. इसमें आपको कुछ और कलर ऑप्शन भी मिलेंगे एंड दिस इज़ इन टू 100% प्योर कॉटन फैब्रिक. बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड कुछ ऐसा आपको इसमें मेंडेरियन कॉलर मिलेगा. फ्रंट पे हल्का सा यहाँ पे स्लिट दिया हुआ है सो दैट आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सको. एंड लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन एंड प्रिंट, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. डेली वेयर, कॉलेज वेयर एंड ऑफिस के अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट एंड पॉकेट फ्रेंडली है. कुछ ऐसा मल्टी कलर का आपको इसमें प्यारा सा फैब्रिक प्रिंट मिल जाएगा जो कि पूरा फ्लोरल प्रिंट है. एंड फ्रंट पे आपको ये जो बटन डिटेलिंग दिख रही है ना, ये थ्रू आउट नीचे तक जाएगी. वुडन बटन्स की डिटेलिंग है बट ये जस्ट शो के लिए लगाई हुई है. ये देखिए कुछ ऐसे थ्रू आउट ये ऐसे ही रहने वाला है एंड इसकी लुक हो जाती है कुछ ऐसे. स्लीव्स इसमें हमको मिल जाएंगी 3/4 एंड इसमें भी आपको ये फोल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है बटन डिटेलिंग के साथ. ये देखिए कुछ ऐसी स्लीव्स हैं एंड इसका लुक आप देख सकते हो. नीचे तो कुछ ऐसा है, बहुत ही स्लाइट सा ये जो है ए लाइन कुर्ता है. इसके फ्रंट में नीचे से आपको ये कट दिखने को मिल जाता है. ये देखिए ऐसा कट दिया हुआ है तो ये काफ़ी स्मार्ट लुक देता है. एंड बैक साइड पे भी आपको ये पूरा का पूरा ऐसे ही मिलने वाला है सेम प्रिंटिंग पैटर्न पे. कलर इसमें बहुत सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास बॉटम वेयर अवेलेबल हो वो पहन सकते हो. अदरवाइज वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का बॉटम वेयर एंड डेनिम भी फॉर दैट मैटर इसके साथ बहुत प्यारी लगेगी. फैब्रिक इसका 10/10 है, प्रिंट इसका 10/10 है एंड ये बहुत स्टाइलिश लगता है वेयर करने पर. तो डेफिनेटली ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है. सो गाइस, नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा 100% कॉटन में एक कॉट सेट जो कि आपको 2 कलर्स में अवेलेबल है. मैंने इसमें ब्लू कलर ले लिया है, इसमें इसके अलावा आपको एक पिंक शेड भी मिल जाएगा. सो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ से पिक कर सकते हो. जैसे कि मैंने बोला कि इसका जो फैब्रिक है वो 100% कॉटन है, बहुत ही प्यारा एंड फाइन फैब्रिक है. आपको ये कुछ इस तरीके के नेक पे मिल जाएगा. ये देखो कुछ ऐसा नेक है इसमें जिसमें आपको क्रोशे का लेस डिटेलिंग दिया हुआ है. एंड ये जो आप पूरा फ्लोरल प्रिंट देख रहे हो वाइट कलर का, ये थ्रू आउट फैब्रिक ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि फैब्रिक प्रिंट है. आप इसको घर पे हैंड वॉश एंड मशीन वॉश भी कर सकते हो. तो इसका लुक कुछ ऐसे हो जाता है. रेस्ट ये वाला जो आप लेस डिटेलिंग देख रहे हो क्रोशे का दोनों ही तरफ, ये आपको नीचे कुर्ते तक मिल जाएगा, पूरा कंप्लीटली नीचे तक है. और ये स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, इसका फिट भी बहुत अच्छा आया है. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी पूरी लुक आ जाएगी. लेस डिटेलिंग नीचे तक जा रही है एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है. फैब्रिक इसका भी बहुत अच्छा है. नीचे आपको आगे और पीछे के दोनों ही पैनल्स पे ये वाला क्रोशे का लेस डिटेलिंग दिखने को मिल जाएगा. क्वालिटी इज़ रियली अमेजिंग एंड प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये बहुत प्यारा पीस है. स्लीव्स की अगर हम बात करें तो स्लीव्स में इसमें हमको जो है यही 3/4 स्लीव्स मिलेंगी एंड यही वाला क्रोशे का जो है हमको लेस डिटेलिंग भी दिखने को मिल जाता है. बैक साइड पे भी हमको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा. ये देखिए कुछ ऐसा. इसकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी खासी है. इसके साथ जो हमको बॉटम वेयर मिला है वो सेम फैब्रिक का और सेम प्रिंट में ही रहेगा जो कि सेमी इलास्टिकेटेड है. आगे से ये बेल्टेड है जिसमें हमको ड्रॉस्ट्रिंग दे रखा है एडजस्टमेंट के लिए एंड पीछे से ये इलास्टिकेटेड रहेगा. रेस्ट इसमें दोनों साइड पर हमको जो है पॉकेट दी हुई है जिसकी डेप्थ बहुत अच्छी है. ये देखिए इस तरफ से भी और यहाँ से भी हमको दोनों तरफ पॉकेट दी है. एंड इसके अगर हम फिट की बात करें तो इसका फिट जो है वो रेगुलर फिट है. ये देखिए कुछ ऐसा सेम यही फैब्रिक प्रिंट आपको देखने को मिलेगा. एंड सबसे नीचे इसमें हमको ये बटन डिटेलिंग दे रखी है, आप देख सकते हो. ये बिल्कुल भी टेपर्ड नहीं है, कंफर्टेबली वेयर हो जाएगा हल्के से स्लिट के साथ एंड बटन डिटेलिंग के साथ मिल जाता है. तो ये भी जो है गाइस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है. इसको भी आप डेली वेयर के अकॉर्डिंगली वेयर कर सकते हो या फिर कहीं आसपास जाना हो, हल्की फुल्की वाइट ज्वेलरी पहनोगे तो वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी. तो येस, आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो. नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा पैनल्ड अनारकली कुर्ता जो कि कुछ इस तरीके से है। ये भी आपको 100% प्योर कॉटन में मिलेगा एंड ये आपको सिंगल कलर ऑप्शन में ही मिल जाता है, बट इसका कलर जो है वो बहुत न्यूट्रल है। ऑफ वाइट कलर का आपको इसका बेस मिल जाएगा जो कि हर स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। कुछ ऐसा राउंड नेक है इसके फ्रंट पे, एक सेकेंड इसकी डोरी अंदर हो गई है, ये देखिए कुछ ऐसा राउंड नेक है हल्की सी स्लिट के साथ। फ्रंट में आपको ये पैचवर्क मिल जाएगा जिसमें आपको ये पिंक एंड येलो कलर का जो है पूरा कुछ ऐसा फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रिटी नीट एंड क्लीन वर्क है एंड क्योंकि ये पैच है ये आपको अंडरनीथ नहीं चुभेगा। यहाँ पे आपको फ्रंट में ना डोरी दे रखी है, टैसल वर्क के साथ आप इसको टाई कर सकते हो एंड काफ़ी प्यारा लगता है। बाकी आपको ये वाला प्रिंट जो है थ्रू आउट कुर्ते पे मिलने वाला है। स्लीव्स आप देख सकते हो 3/4 स्लीव्स हैं, इसमें आपको यही प्रिंट मिला हुआ है एंड ये जो है ना पैनल्ड कुर्ता है। ये देखिए इसकी लुक कुछ ऐसी है, ये वेस्ट तक आपको एकदम परफेक्ट फिट आएगा। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें आपको ये पूरे टायर्स दे रखे हैं, बहुत अच्छा घेर है। देन लास्ट के 2 घेरों में आपको ये वाला मिल जाता है प्रिंटिंग पैटर्न। ऊपर आपको कुछ इस तरीके का फ्लोरल प्रिंट मिलेगा एंड सबसे नीचे ये वाला है। सो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। ये देखिए कुछ ऐसे इसकी ओवरऑल जो है लुक आ जाती है। ऊपर से ये कुछ ऐसे रहेगा एंड नीचे से ऐसे है। इसका घेर बहुत अच्छा खासा है, ये देखिए बहुत अच्छा खासा घेर है इसका। इसकी लेंथ भी अच्छी है एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट। आप इसको ऐसे ही जस्ट वेयर कर सकते हो एंड ये बहुत कंफर्टेबल है गाइस गर्मियों में वेयर करने के लिए। बैक साइड पे भी आपको ये इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिलेगा। ये देखिए ऊपर से ये छोटा वाला प्रिंट दिया हुआ है एंड नीचे जाते जाते आपको ये वाले प्रिंट्स मिल जाते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस। इसके साथ आप वाइट कलर का या फिर कुछ ऐसा लेमन येलो कलर का बॉटम वेयर पेयरअप करोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। सो यस इसको भी आप ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट साइज आपके साथ शेयर करूंगी, ये बहुत ही प्यारा सा अनारकली कुर्ता जो कि स्लीवलेस है एंड दिस इज रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए कुछ इस तरीके से है और हाँ ये स्लीवलेस आपको कंडीशन में रिसीव होता है बट इसमें स्लीव्स भी हैं, मैं आपको वो दिखा दूंगी। तो इसका जो फैब्रिक है वो 100% कॉटन है एंड जस्ट लुक एट द प्रिंट एंड कलर कॉम्बिनेशन, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कुछ ऐसा आपको राउंड नेक मिलता है एंड इसके नेक पे और आर्म्स में आपको कुछ इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी का वर्क पिंक एंड ब्लू कलर का, साथ में फॉल्स वर्क का डिटेलिंग मिल जाएगा। बाकी इसके फ्रंट योक पार्ट पे पूरे बस्ट एरिया पे आपको ये सीक्वेंस का वर्क जो है स्टिचिंग में मिल जाता है। ये देखो ये आपका नेक से लेकर के वेस्ट तक रहेगा जिसमें आपको पूरा फ्रंट में ये सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है एंड दिस लुक्स रियली वेरी प्रिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड समरी शेड्स हैं इसमें। और इसके साथ आप व्हाइट कलर का चाहो तो बॉटम वेयर पेयर कर सकते हो, एज एन इसको कुर्ती वेयर करते हो तो इसके साथ बॉटम वेयर पेयर करो, अदरवाइज ये एज अ मैक्सी ड्रेस भी बहुत अच्छा लगेगा व्हाइट स्नीकर्स के साथ। तो इसकी लुक कुछ ऐसी है, वेस्ट तक ये एकदम परफेक्ट फिट है। उसके बाद ये पूरा पैनल्ड घेर मिल जाएगा इसमें। सो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना ये बहुत फ्लेरी हो जाता है। जस्ट लुक एट द घेरा, मतलब इतना घेर आपको इसमें मिल जाएगा एंड दिस इज़ रियली वेरी प्रिटी। ये सारे कलर्स आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। बैक साइड पे आपको ना इसमें ये नेक पे हल्का सा यहाँ पे कट डिटेलिंग दिया हुआ है, साथ में ये डोरी एंड टैसल वर्क दिया हुआ है। बाकी पीछे से आपको ये पूरा ऐसे ही मिलेगा एंड यस एक चीज़ और, इसकी ना साइड पे आपको ये दोनों जगह 2-2 डोरी मिल जाती हैं तो आप इसको पीछे टाई करके एक अच्छा सा फिट दे सकते हो। इसमें टैसल वर्क मिलेंगे एंड जहाँ तक रही हमारी स्लीव्स की बात, मैं आपको इसमें स्लीव्स भी चेकआउट करा देती हूँ। एक सेकेंड कहाँ चली गई, ये देखो इसमें आपको ये स्लीव्स दे रखी हैं और स्लीव्स की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी खासी है। ये देखो आप चाहो तो इसको एज एन शॉर्ट स्लीव्स करवा सकते हो, बहुत अच्छा खासा है इसका भी फैब्रिक। एल्बो स्लीव्स तक भी इसमें स्टिच हो जाएंगी तो बहुत प्रिटी लगता है। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया, दिस इज़ रियली वेरी लाइट वेट एंड ये वेयर करने के बाद काफ़ी स्टाइलिश लगता है, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट साइज़ आपके साथ शेयर करूँगी, ब्यूटीफुल सी कुर्ती जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये समहाउ ना एक बोहो लुक देती है जो कि काफ़ी डिफरेंट लगती है। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन मिक्स है बट आप इसको कम्फर्टेबली ह्यूमिडिटी में वेयर कर सकते हो। इसमें आपको ऊपर का मतलब ये जो पूरा प्रिंट है ना, प्रिंट ऐसे ही मिलेगा बट आपको कलर कॉम्बिनेशन इसमें 4 to 5 मिल जाएंगे। तो इसके लुक की बात करें, इसमें हमको मैंडेरियन कॉलर मिलता है हल्की सी स्लिट के साथ एंड फ्रंट में ये पूरा स्टिच है जिसमें आपको वुडन बटन की डिटेलिंग दे रखी है। रेस्ट आप देख सकते हो कुछ ऐसा येलो एंड ऑरेंज बोल सकते हो आप, केसरिया एंड ब्लैक कलर का इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा आपको ये प्रिंट दिया हुआ है, इसकी लुक कुछ ऐसे हो जाती है प्रिंट की। स्लीव्स इसमें आपको एल्बो स्लीव्स मिलेंगी जो कि फोल्डेबल पैटर्न पे है। इधर आपको ये मिल जाएगा इसका लूप जो कि स्टिच हो रखा है बटन डिटेलिंग के साथ, तो ये बहुत प्रिटी लगता है। ओवरऑल इसकी लुक कुछ ऐसी है, बटन डिटेलिंग इसका पूरा नीचे तक जाएगा एंड यहाँ पे आपको हल्का सा ना स्लिट दे रखा है फ्रंट पे, ये देखिए कुछ ऐसे ए लाइन कुर्ता है, बहुत ही हल्का सा इसमें आपको घेर मिलेगा नीचे। एंड आप देख सकते हो इसकी लुक जो है ओवरऑल कुछ ऐसे हो जाती है। ब्लैक डेनिम्स या फिर ब्लैक कलर की बॉटम वेयर के साथ ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। एंड बैक साइड पे आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा। सो आई थिंक ये समवेयर अराउंड 250 या 3 कुछ का है। एग्जैक्ट प्राइस इसका जो आज होगा वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी। एंड प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लगता है, तो आप इसको ट्राई करके जरूर। नेक्स्ट है गाइस ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट जो कि कंप्लीट कुर्ता सेट है। एंड इसमें ना आपको 4 से 5 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है। मैंने इसमें ये पिंक कलर ले लिया है जो कि स्ट्रेट फिट का कुर्ता है। 100% कॉटन पे आपको ये वी नेक मिल जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको ये पूरा क्रोशे का लेस डिटेलिंग दिया हुआ है। बीच में आपको ये बटन डिटेलिंग दी हुई है जो कि इसमें स्टिच हो रखी है। एंड साइड पे भी आप देख सकते हो ये पूरा आपको जो है इसमें ये लेस डिटेलिंग क्रोशे का स्टिचिंग में मिल जाएगा। तो इसका लुक हो जाता है कुछ ऐसे, फ्लोरल प्रिंट है। एंड इसमें आप देख सकते हो सिल्वर कलर का ना इसमें पूरा एक लाइन जा रही है पूरे फैब्रिक में, जो कि जरी वीविंग वर्क है। ये एज इट इज़ ही रहेगा। स्लीव्स इसमें आपको ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स मिल जाएंगी जो कि बेल स्लीव्स हैं। लुक एट दिस, कुछ ऐसी स्लीव्स रहेंगी। एंड स्लीव्स पे भी हमको ये वाला लेस डिटेलिंग मिल जाएगा वाइट कलर का। इसका लुक बहुत अच्छा आता है, आप ट्रायल में देखना, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। सो इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा। नीचे तक ये पूरा ऐसे ही जाने वाला है कम्प्लीटली, ये देखिए कुछ ऐसे इसकी लुक है। एंड यहाँ पर आपको ये जो है ए लाइन घेर पर मिल जाता है, बहुत प्रिटी लग रहा है, ये देखिए कुछ ऐसे। एंड इसके सबसे लास्ट में दोनों ही पैनल पर आगे और पीछे आपको ये वाला सेम वाइट कलर का जो है लेस डिटेलिंग मिल जाएगा। ये देखो ये पीछे से भी है। बैक साइड भी देख लेते हैं इसकी हम, ये देखिए बैक साइड पे आपको ये पूरा इसी फ्लोरल प्रिंट पे मिल रहा है कुछ ऐसे। तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। एंड इसका जो ओवरऑल यू नो जो इसका कट है ना, मतलब बेल स्लीव्स अच्छी लग रही है, नीचे से ए लाइन दिया हुआ है इसको, वो भी इसको बहुत डिफरेंट लुक दे रहा है। इसके साथ हमको कॉटन का ही मिल जाएगा बॉटम वेयर जो कि यू नो वाइट शेड में है, सेमी इलास्टिकेटेड। आगे से ये बेल्टेड है, पीछे से इलास्टिकेटेड। दोनों साइड पर हमको पॉकेट्स दे रखी हैं इसमें। एंड इसमें भी हमको सिल्वर कलर का जरी का जो है पूरा यू नो वीविंग वर्क मिलेगा। स्ट्रेट फिट का पैंट है जिसकी फिट बहुत अच्छी आई है एंड कंफर्टेबल है। ये आसन आप देख सकते हो इसमें काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। एंड नीचे से इसके बॉटम वेयर पे हमको ये वाला जो है यू नो लेस डिटेलिंग दिया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये भी पूरा। एंड इधर से पूरा लेस डिटेलिंग इसमें दिया हुआ है एंड ये बहुत प्रिटी लग रहा है। इसके साथ हमको दुपट्टा जो है वो कॉटन मिक्स फैब्रिक में दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये देखिए। इसका लेंथ और विड्थ पूरा है जिसमें कि हमको टैसल वर्क दिया हुआ है इन्होंने विड्थ पे, कुछ ऐसे टैसल मिल जाएंगे। एंड बीच में इसमें हमको ये सिल्वर लाइंस दी हुई हैं अगेन, जो कि पूरा यू नो जरी का वीविंग वर्क है। लुक एट दिस, तो ये भी ग्रेसफुल लगता है। इन बजट है ये, आपको कुछ यू नो अफोर्डेबल प्राइस पे चाहिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। सो गाइस रिसेंटली मैंने अनिका के लिए यहाँ से लिए ट्यू नेक्स जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। एंड ये उसकी चॉइस के अकॉर्डिंगली मैंने लिए जो कि बहुत प्रिटी हैं। सो सबसे पहला ट्यू नेक है ये वाला ब्लैक कलर का। इसका जो फैब्रिक है वो है रेयॉन। इसमें आपको ना पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क ऐसा ही मिलेगा, बट कलर ऑप्शन आपको 4 मिल जाएंगे। तो मुझे तो ये मल्टी कलर वाला उसका बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। राउंड नेक है, पूरा कश्मीरी यू नो आरी वर्क इसमें हो रखा है, पिंक और वाइट एंड ग्रीन कलर का। एंड दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये देखिए पूरा वर्क ऐसे का ऐसे ही है, काफ़ी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी पीस लग रहा है ये। इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी। स्लीव्स इसमें आपको 3/4 मिलती हैं जिसमें अगेन आपको ये मल्टी कलर से ही एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा। इसका लुक कुछ ऐसे हो जाता है। एंड इसका जो लेंथ है वो बहुत अच्छा खासा है। नीचे आपको ये सॉलिड कलर का मिलेगा एंड देन इसके साइड पर आपको ये पूरा वर्क मिल जाता है एम्ब्रॉयडरी का, जो कि फ्रंट में ही रहेगा। सो अगर हम इसकी लुक देखें ना फ्रंट से, वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। काफ़ी प्रिटी लग रहा है। डेनिम एंड ट्राउजर्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। वो तो इसको वाइड लेग जीन्स के साथ पहनती है, मतलब मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे से आपको ये पूरा सॉलिड कलर का मिलेगा। आई थिंक ये शायद 250 या 300 कुछ का है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये बहुत मस्त है, मतलब इतने कम प्राइस पर आपको कुछ इस तरीके का वर्क नहीं मिलने वाला डेफिनेटली। तो अगर आपको इसमें आई थिंक जितने भी कलर्स हैं ना वो सब ब्लैक बेस में ही हैं। एम्ब्रॉयडरी का कलर डिफरेंट है बट ब्लैक में ही है। तो अगर आपको ब्लैक पहनना पसंद है ना, आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट हैव ट्यूनिक इन योर वार्डरोब, ज़रूर ट्राई। सो गाइस नेक्स्ट भी जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्यूनिक है जो कि वाइट कलर में मिलेगा। एंड इसमें भी ये सिंगल कलर ऑप्शन ही अवेलेबल है, बट अगेन दिस इज़ सो वर्सेटाइल। ये भी आपके डेनिम्स एंड ट्राउजर्स में बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला ट्यूनिक जो है आपको 100% कॉटन फैब्रिक का मिल जाएगा, जिसमें राउंड नेक है और फ्रंट में आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल से ब्लैक कलर की आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। सो इसमें ना मतलब सारे साइजेज़ हैं इसमें भी और ब्लैक वाली में भी, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर के आई थिंक आपको प्लस साइज़ भी मिल जाते हैं। सो अगर आपके घर में यू नो आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, बच्चे हैं, और मेरे पैर पे नस चढ़ गई है बड़ी तेज़, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप खुद भी पहनना चाहते हो ना, तो इसको डेफिनेटली ट्राई करके देखना। दोनों ही पीसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे पूरा एम्ब्रॉयडरी है, इसमें आपको ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स मिल जाते हैं, एग्जैक्टली फुल स्लीव्स भी नहीं है पर 3/4 से थोड़ी ज़्यादा है। एंड इधर भी आपको ये एम्ब्रॉयडरी का पूरा वर्क देखने को मिलेगा। तो इसका लुक कुछ ऐसे है, लेंथ इसकी भी अच्छी खासी है, एंड फ्रंट में आपको ना कुछ इस तरीके का इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा ब्लैक कलर में। ओवरऑल इसका लुक कुछ ऐसे है, ब्लैक कलर के डेनिम के साथ ये बहुत प्रिटी लगेगा। पीछे से आपको ये पूरा ऐसे ही मिल जाएगा वाइट कलर का। वेरी ब्यूटीफुल पीस, अगेन मैं इसको भी डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी। दोनों ही ट्यूनिक्स बहुत गजब के हैं, आप इनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हो। जो है वो एक अनारकली गाउन बोल सकते हो आप, और ये मैंने फर्स्ट टाइम मीशो पे देखा और देखते ही मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड इसकी जो क्वालिटी रिसीव हुई है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये हमको रियॉन फैब्रिक में मिल जाएगा एंड ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और पता नहीं मैं आज एंड बार बार क्यों बोल रही हूँ। इसमें आपको राउंड नेक मिलता है और यहाँ पर आपको ये पूरा जो है ना फ्लोरल प्रिंट मिल जाएगा, जो कि फैब्रिक प्रिंट है, मल्टी कलर में ये प्रिंट है, और ये पूरे ही यू नो कुर्ते पे ऐसे ही रहने वाला है। इसका लुक आप देख सकते हो। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे काफ़ी प्रिटी लगा। ऑफ वाइट यू नो क्रीम से कलर का शेड है इसका, जिसपे ये प्रिंटिंग पैटर्न बहुत प्यारा लग रहा है। स्लीव्स इसमें आपको शॉर्ट स्लीव्स मिल जाएंगी, स्लीव्स में भी आप देख सकते हो यही प्रिंटिंग पैटर्न है। एंड ये जो है ना अनारकली पैनल्ड ड्रेस है, ये आप इसको एज एन कुर्ता पहन सकते हो या फिर एज अ मैक्सी ड्रेस भी वेयर कर सकते हो। वेस्ट तक ये आपको एकदम परफेक्ट फिट है। उसके बाद यहाँ पे आपको ना पूरा प्लीटेड पैटर्न दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हो ये पूरा पैनल जाएगा। एंड इसका घेर बहुत अच्छा खासा है, ये देखिए कुछ ऐसे है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड सी थ्रू नहीं है। इसको आप किसी भी कलर के बॉटम वेयर के साथ पहनोगे तो अच्छा लगेगा, और आप चाहो तो इसको एज एन मैक्सी ड्रेस भी पहन सकते हो, उसमें भी काफ़ी प्रिटी लगेगा। पीछे से आप देख सकते हो पूरा आपको इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिल जाएगा। सो दिस इज समथिंग रियली वेरी डिफरेंट। नॉर्मली जो हमारी मैक्सी ड्रेसेस होती है या फिर यू नो अनारकली कुर्ता होता है, उसमें भरा हुआ पूरा हमको एम्ब्रॉयडरी का काम या फिर प्रिंटिंग पैटर्न मिलता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मुझे लगा, समहाउ काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप इसको भी ट्राई करती है, वो भी आपको 100% कॉटन फैब्रिक में मिलेगी। इसमें आई थिंक 2 या 3 कलर ऑप्शंस और अवेलेबल हैं, तो आप उनको ट्राई करके देख सकते हो। मैंने बहुत ही प्यारा सा इसमें ये पीच शेड ले लिया है, राउंड नेक है इसमें, और इधर फ्रंट में आपको ये पैच मिलेगा जिसमें ब्लू कलर का पूरा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का वर्क, साथ में गोल्डन कलर का जरी वर्क दिया हुआ है। इसका लुक कुछ ऐसे है। इसमें स्लीव्स हमको 3/4 मिलेंगी, एंड स्लीव्स के एंड पे हमको यही सेम पूरा एम्ब्रॉयडरी का और जरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा, जो कि पैच में है, तो ये भी नहीं चुभेगा। रेस्ट आपको ये जो सिल्वर लाइंस दिख रही हैं, ये जरी वीविंग वर्क है, पूरे ही कुर्ते पे ये ऐसे ही रहेंगी। इसका लुक कुछ ऐसे हो जाता है। स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, परफेक्ट इसकी फिट आई है। डे मतलब यू नो दिन में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप चाहो तो एज अ डेली वेयर या फिर ऑफिस वेयर भी कैरी कर सकते हो, एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा। एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यू नो लाइट कलर का कुर्ता है, उसके ऊपर इन्होंने ब्राइट कलर की एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, जो कि इसकी लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस कर रही है। बैक साइड पे हमको ये इसी पीच शेड में मिल जाएगा विद यू नो जरी वाला थ्रेड वर्क पूरा। इसके साथ अगर आपके पास ब्लू कलर का बॉटम वेयर है तो वो ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली दिस इज टर्कॉइज कलर, टर्कॉइज एंड यू नो फॉरेस्ट ग्रीन शेड है, ये देखिए 2 कलर के कॉम्बिनेशन हैं, ये तो वो पहन सकते हो। अदरवाइज ऑफ वाइट भी इसके साथ काफ़ी अच्छे से शेयर करूँगी। एक ओवर साइज टी शर्ट, एंड रियली मतलब मीशो से मैंने फर्स्ट टाइम ओवर साइज टी शर्ट परचेज करी है, एंड इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कलर, सच अ ब्यूटीफुल प्रिंट, और इसका फैब्रिक तो आई टेल यू मतलब इतना ज़्यादा स्टडी है। पहले मुझे लग रहा था कि ना फ्लिमजी सा यू नो ढीलम ढिल्ला सा आएगा एकदम, लेकिन बहुत स्टडी फैब्रिक है। एंड कुछ इस तरीके से ये हमको प्यारे से ग्रीन कलर में मिल जाती है। राउंड नेक है इसका, फ्रंट में लिखा हुआ है हैप्पी स्माइल मिशिगन USA एंड मिड वेस्टर्न। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, ये इसका लुक है। मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ, बट एक्चुअली मैं इसका यू नो फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप देख लेना, क्योंकि मुझे फ्रंट कैमरा पे ही शूट करने की हैबिट है। तो इसका लुक कुछ ऐसे है। रेस्ट कलर इज़ सच अ ब्यूटीफुल वन, ये सब के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। एंड ग्रीन कलर आजकल काफ़ी इन है। शॉर्ट स्लीव्स मिल जाएंगी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। बट एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, जो भी ओवर साइज टी शर्ट्स वेयर करना पसंद करते हैं, वो जो आपका एक्चुअल साइज़ है उसको ही लीजिए। इफ़ यू आर इनटू मीडियम साइज़ तो मीडियम ही लेना, डोंट गो फॉर अ लार्जर वन, अदरवाइज़ ये आपको बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। तो तो इसकी लुक आप देख सकते हो। ये मीडियम साइज़ है जो मैंने लिया हुआ है। मीडियम होने के बावजूद भी ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ है, बट हाँ क्योंकि ओवर साइज़ है तो अच्छा लग रहा है। नीचे से हमको ये पूरा इसी तरीके से मिल जाएगा। सो ओवरऑल इसका लुक कुछ ऐसे है। पीछे से ये हमको पूरा सॉलिड ग्रीन कलर का मिल जाएगा। क्वालिटी इज़ रियली रियली 10 on 10 गाइज़, मतलब मस्ट हैव टी शर्ट इन योर वार्डरोब। अगर आप इस ह्यूमिडिटी या गर्मी के मौसम पे टी शर्ट्स ट्राई कर रहे हो, इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। मेरी तरफ से तो डेफिनेटली गाइज़, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने मीशो से ट्राई करी है एक ड्रेस, वो भी डेनिम ड्रेस, एंड आई वॉज रियली अमेज्ड। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि डेनिम ड्रेस मीशो से मुझे इस तरीके की मिलेगी। जस्ट लुक एट दिस, ये सिंगल आई थिंक इसी ओरिजिनल डेनिम कलर में आपको मिलेगा, एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल पीस। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है। कुछ ऐसा आपको कॉलर्ड नेक मिलेगा, एंड दिस इज़ पिंटरेस्ट वाला ड्रेस जो कि आपको बहुत सारे कोरियन स्टाइल्स वगैरह के हिसाब से मिल जाता है। और इसका प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा सही वाला है, मतलब समवेयर अराउंड 600 रुपये का ये ड्रेस है। दिस इज़ रियली अमेजिंग। इसका लुक आप देख सकते हो, कॉलर नेक है, फ्रंट में हमको ये पॉकेट्स दे रखी हैं, इधर आपको ये बटन डिटेलिंग भी दी हुई है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। और इधर के जो बटन्स हैं ना, ये सारे फंक्शनल हैं। ये देखो, इसका लुक कुछ ऐसे है। स्लीव्स, इसमें हमको शॉर्ट स्लीव्स मिल जाएंगी, एंड लुक एट दिस, ए लाइन ड्रेस है। ये बीच में आपको लूप्स दिए हुए हैं, तो लूप्स के साथ ना इन्होंने हमको ये ब्लैक कलर की बेल्ट दे रखी है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखो, इसमें ना आपको यहाँ पे होल्स भी दे रखे हैं काफ़ी सारे, तो आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंगली उनको फिट कर सकते हो। और इसकी बेल्ट की क्वालिटी भी काफ़ी स्टर्डी एंड अच्छी है। बटन डिटेलिंग पूरा नीचे तक जा रहा है। इसमें साइड पे इधर हमको दे रखी है इन्होंने दो पॉकेट्स जिसकी डेप्थ बहुत अच्छी है, एंड लुक एट दिस, पूरा ए लाइन ड्रेस है ये। आगे से हल्का सा स्लिट है। मतलब डेनिम ड्रेस बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मीशो से ऐसी मिलेगी। मैंने जस्ट ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था कि लेट्स सी कि कैसा है, बट दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये देखो, इसका लुक कुछ ऐसे हो जाता है। बाकी आप ट्राई ऑन को देखना, बहुत मस्त लग रहा है। इसकी क्वालिटी जो है ना, एक हैवी ड्यूटी डेनिम का जो फैब्रिक होती है ना, वो है। ट्रस्ट मी, इसको आप ब्लाइंडली परचेज़ कर सकते हो, ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बैक साइड पे आपको ये पूरा इस तरीके से ना कट पैटर्न पे मिल जाएगा। पीछे से भी लूप दिए हुए हैं बेल्ट के लिए इन्होंने। दिस इज़ रियली अमेजिंग। नी लेंथ ड्रेस है ये। मेरी हाइट 5'4" है। आप उसके अकॉर्डिंगली ट्राई ऑन को देख के आइडिया लगा सकते हो। अगर आपको ड्रेसेस वेयर करना पसंद है तो यार ये ज़रूर लेना। एंड इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन वेयरिंग नी लेंथ ड्रेसेस, इसके साथ आप ब्लैक कलर की ना लेगिंग वेयर करके देखो। इतना ज़्यादा स्मार्ट पीस लग रहा है ये कि मतलब क्या ही बताऊँ आपको। तो मेरी तरफ से तो डेफिनेटली ये रेकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। सो आई होप गाइज़ आपको आज का वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, जितने जितने न्यू पीसेस थे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसी तरीके की मीशो की और बहुत सारी वीडियोस जल्दी आने वाली हैं, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट हॉल वीडियो, तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिए। टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड। सी या।